हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका सुपर स्टार क्लासेस में आज हम लोग केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझेंगे आइए देखते हैं तो स्टूडेंट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो इसका रासायनिक सूत्र है सी एस ओ फोर हाफ एस टू ओ या इसका दूसरा रासायनिक सूत्र सी एस ओ फोर का होल ट्वाइस इन एस टू ओ इसको कैल्शियम सल्फ़ेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है तो कैल्शियम सल्फ़ेट हेमीहाइड्रेट और इसका सूत्र क्या है स्टूडेंट्स सी एस ओ फोर इन टू हाफ एस टू ओ बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसका सूत्र है जो एग्ज़ाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसको कहा किया जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या तो वो नेक्स्ट बात करते हैं बनाने की विधि ही यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे आप बनाएंगे? उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को सबसे पहले बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है किसका जिप्सम का और इसे कितने टेम्परेचर पर 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है जिससे जिप्सम में से उपस्थित जल का भाग निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है तो स्टूडेंट यहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किस चीज़ को लेंगे सर्वप्रथम तो हम जिप्सम को लेंगे और जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो 120 यानी 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा जिससे क्या होगा जिप्सम से क्या निकल जाएगा तो जल निकल जाएगा और हमें क्या चीज़ प्राप्त होगी तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बनाना चाह रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा आइए हम रासायनिक सूत्र के माध्यम से इसको देखते हैं तो यहाँ पर सर्वप्रथम दो अड़ू कैल्शियम सल्फेट यानी सी एस ओ फोर इंटू टू एस टू ओ जिप्सम लेंगे और उसे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तब हमें सी एस ओ फोर का होल ट्वाइस इंटू एस टू ओ और प्लस थ्री एस टू ओ यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल के तीन अड़ु प्राप्त होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है जिप्सम का सूत्र क्या होता है तो जिप्सम का सूत्र होता है सी एस ओ फोर इंटू टू एस टू ओ इसे कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो एक सौ बीस डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सी एस ओ फोर का होल टॉयस इन टू एस टू ओ और प्लस थ्री एस टू ओ यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है और इसको बहुत अच्छे ढंग से याद करना है तो जिप्सम का सूत्र स्टूडेंट क्या होता है सी एस ओ फोर इन टू टू एस टू ओ तो यहाँ पर हमने दो अड़ू जिप्सम के लिए और उसे एक सौ बीस डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया तो हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ प्लास्टर ऑफ़ पेरिस तो आपने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ़ पेरिस को जाना इसके आगे की बात करते हैं प्लास्टर ऑफ़ पेरिस में सी एस ओ फोर के दो अड़ू जल के एक अड़ू के साथ साझेदारी करते हैं इसीलिए लिए सी एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू ओ हाँ लिखा जाता है नेक्स्ट अब जो बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म धर्म की बात करेंगे या मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो आइए जान लेते हैं इनके गुणों को ये कैसा चूंड होता है तो बड़ा ही है इसका चूंड कैसा होता है सफ़ेद रंग का चूंड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का चूंड कैसा होता है किस रंग का होता है स्टूडेंट्स तो सफ़ेद रंग का होता है फिर इसका जल का प्रभाव प्लास्टर ऑफ पेरिस पर क्या पड़ता है उसको जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सौंप कर क्या बनाता है जिप्सम क्या बनाता है जिप्सम इस इस प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है जिप्सम क्या प्राप्त होता है जिप्सम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ पर क्या है सी एस ओ फोर का होल ट्वाइस इन टू एस टू ओ प्लस थ्री एस टू ओ तो जो हमें प्राप्त होगा तो टू सी एस ओ फोर इंटू टू एस टू ओ तो दो अड़ु हमें जिप्सम प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा जिप्सम तो जिप्सम का सूत्र अभी हम लोग जाने थे क्या बनेगा सी एस ओ फोर इंटू टू एस टू ओ और इसके कितने अड़ बनेंगे तो दो अड़ बनेंगे किसके संयोग से बनते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे सबसे पहले और जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा जिप्सम क्या प्राप्त होगा जिप्सम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में जिप्सम का सूत्र बहुत ही कई बार पूछा गया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कई बार पूछा गया है तो दोनों ही सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्लास्टर ऑफ़ पेरिस से आप जिप्सम कैसे बनाएंगे और जिप्सम से आप प्लास्टर ऑफ़ पेरिस कैसे बनाएंगे तो ये हमने क्रियाविधियों दोनों को पढ़ा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ऊषमा का क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को दो हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं कितने टेम्परेचर पर तो यहाँ पर टेम्परेचर याद रखना है कितना टू हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फ़ेट क्या प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फ़ेट और जल प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित सभी क्रिस्टल जल निकल जाते हैं उसमें उपस्थित सभी क्रिस्टल जल निकल जाते हैं और बचे हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं मृत ज्वलित पदार्थ होता है जो क्या कहलाता है कैल्शियम सल्फ़ेट कहलाता है क्या कहलाता है कैल्शियम सल्फ़ेट तो प्लास्टर ऑफ़ पेरिस को हम कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं स्टूडेंट टू हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर पर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है सी एस ओ फोर का होल्डॉइस इन टू एस टू ओ और एरो के बाद क्या बनेगा आपका कैल्शियम सल्फेट तो टू सी एस ओ फोर प्लस एस टू ओ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम देखते हैं विशेष नोट को यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को चार सौ डिग्री टेम्परेचर पर अभी तो हम दो सौ डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर रहे थे अगर 400 सौ भी अधिक टेम्परेचर पर कर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फ़ेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फ़र डाइऑक्साइड में अवगठित हो जाता है कहने का मतलब कहने का मीन्स ये है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम 400 डिग्री से भी अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो ये क्या बना लेता है कैल्शियम सल्फ़ेट और कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फ़र डाइऑक्साइड में अवगठित हो जाता है चलिए इसी पर नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है तो सभी लोग स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हों अगर आप अस्पताल कभी गए हैं या किसी मरीज़ का आपके घरों में ऑपरेशन हुआ है या जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हड्डियों को जोड़ने के लिए अस्पतालों में प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब चढ़ाया जाता है तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्लास्टर ऑफ़ पेरिस में खिलौने क्या बनाते हैं और क्या क्या काम होता है प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और खिलौने बनाए जाते हैं और मोस्टली और क्या बनाया जाता है चाक बनाने के भी काम आता है कागज़ कारखाने यानी कागज़ उद्योग में इसका प्रयोग होता है और दांतों के प्लास्टर में तो ये मेन मेन पॉइंट्स हैं प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के अगर हम बात कर लेते हैं तो सर्वप्रथम पहला फर्स्ट काम क्या है इसका फ़र्स्ट काम ये है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम किसका होता है प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का और इससे क्या बनाए जाते हैं खिलौने बनाए जाते हैं और क्या बनाए जाते हैं मूर्तियाँ बनाई जाती हैं इससे चाक भी बनाया जाता है कागज़ उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है और दांतों के प्लास्टर में भी इसका उपयोग होता है तो आइए आइए स्टूडेंट आपने प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के विषय में बहुत से पॉइंट्स प्या, प्या, जो हैं समझे आइए उनको एक बार रीमेमोराइज कर लेते हैं ताकि ये सारी प्रश्नों की श्रृंखला अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए तो सिंपल सी बात कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अगर हम सूत्र पूछें तो सी यू एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू ओ किसका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे आप बनाएंगे तो सर्वप्रथम जिप्सम को गर्म करेंगे कितने टेम्परेचर पर एक सौ बीस डिग्री टेम्परेचर पर हमें क्या प्राप्त होगा तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म क्या हैं इनके गुण क्या हैं तो सिंपल सी बात है इसका सफ़ेद चूर्ण होता है कैसा चूर्ण होता है सफ़ेद चूर्ण होता है अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है तो हमें सीधी सी बात है जिप्सम प्राप्त होता है अगर हम स्टूडेंट ये पूछें जिप्सम किससे प्राप्त होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के अड़ुओं के साथ क्रिया कराने से हमें जिप्सम प्राप्त होता है इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की कुछ खास बातों पर बात करते हैं अगर यहाँ पर टेम्परेचर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाता है तो कैल्शियम सल्फ़ेट और जल के अड़ बनते हैं यानी कैल्शियम सल्फ़ेट और जल बनता है फिर एक और इस तो इसमें स्पेसिफिक इस बात क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम 400 डिग्री टेम्परेचर से भी टेम्परेचर पर अधिक गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फ़ेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा तो सल्फर डाई में अवगठित हो जाता है इस बात को भी जाना और मुख्य मुख्य इसके क्या उपयोग हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे खिलौने बनाने में मूर्तियाँ बनाने में और टूटी हड्डियों को जोड़ने में और साथ ही साथ कागज़ और दांतों के प्लास्टर में यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस खाने का सोडा खाने के सोडे को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है स्टूडेंट्स खाने वाले सोडे को किस नाम से जाना जाता है तो बेकिंग सोडा इसे कहा जाता है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र क्या है इसका सूत्र क्या है तो इसका सूत्र है एन ए एच सी ओ थ्री यहाँ पर स्टूडेंट्स एन ए एच सी ओ थ्री किसका सूत्र है तो खाने का सोडा या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है तो आपको आंसर देना होगा एन ए एच सी ओ थ्री एन ए एच सी ओ थ्री किसका सूत्र है तो आप कहोगे बेकिंग सोडा का या खाने वाले सोडे का और इसका रासायनिक नाम क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट फिर इसके बनाने की विधि की बात करते हैं तो प्रयोगशाला में सोडियम बाई कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है सबसे पहली बात प्रयोगशाला में हम क्या लेंगे सोडियम कार्बोनेट लेंगे यानी Na2CO3 लेंगे इस पर हम किसकी क्रिया कराएंगे तो जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराएंगे किसकी क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे साथ ही साथ पानी मतलब एस टू ओ के मिलाएंगे तो आपका बनेगा टू एन एच सी ओ थ्री दो अड़ू क्या बनेगा सोडियम बाई कार्बोनेट तो सोडियम बाई कार्बोनेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे सोडियम कार्बोनेट फिर क्या लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या लेंगे स्टूडेंट्स पानी यानी एस टू ओ जब हम पानी कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या तो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाई कार्बोनेट तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा सोडियम बाई कार्बोनेट के दो अड़ू प्राप्त होंगे किससे प्राप्त होंगे तो सोडियम कार्बोनेट में हम क्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी टू की और जल यानी कि एस टू ओ की तो एस टू ओ सी ओ टू और एन ए टू सी ओ थ्री इन तीनों को मिलाकर हम बनाएंगे सोडियम बाई कार्बोनेट तो जिसे बोलते हैं टू एन एच सी ओ थ्री तो दो अड़ु सोडियम कार्बोनेट अब नेक्स्ट बात करते हैं गुणधर्म की सोडियम बाई कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा पदार्थ है तो ठोस पदार्थ है कैसा है सफ़ेद है ये सफ़ेद रंग का होता है ये जल में ब्ल है कैसा है जल में ब्ले है जल अवघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है इसका जलीय विलयन कैसा होता है क्षारीय होता है अब इस पर हम जो देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या सीखा हमने ये सीखा कि ये सफ़ेद रंग का होता ये सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है कैसा है सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है और किस में मिले है तो जल में मिले हैं और जल में मिले होने के कारण ये कैसा होता है छारिय कैसा होता है छारिय विलयन बनाता है फिर नेक्स्ट ऊष्मा का प्रवास पर देखते हैं अगर हम ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं यानी हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ ही साथ किसमें पानी में, में. यानी कहने का मीन्स हमारा यहाँ पर है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह विघटित हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड में और जल जलबाज यानी कि एस में तो ये ऊष्मा का प्रभाव है ऊष्मा का प्रभाव किस पर तो सोडियम बाइकार्बोनेट पर ऊष्मा का प्रभाव जब देखा जाता है यह यानी कहने का मीन्स हमारा यहाँ पर यह है कि जब दो अड़ू टू एन ए एच सीओ थ्री किसके अड़ू तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने अड़ू लेंगे हीट करने के लिए तो दो अड़ुओं को फिर हमारा बनेगा क्या तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ ही साथ क्या बनेगा यानी जल बनेगा तो स्टूडेंट्स हैं आपने यहाँ पर सीखा कि ठोस पदार्थ जो था हमारा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट उसको हमने गर्म किया और गर्म करके ये अपने अवयवों में टूट गया चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अम्लों से क्रिया अगर हम इसको हम लोगों के साथ क्रिया कराते हैं किसको सोडियम बाइकार्बोनेट को तो हमें प्राप्त होता है नमक यानी कि एन सोडियम क्लोराइड प्लस एस प्लस सी फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे टू एन के दो अड़ू लेंगे अभी तो ये कड़ू लिया था आप कितने अड़ुओं से क्रिया कराएंगे दो अड़ुओं की क्रिया कराएंगे किससे कराएंगे तो यहाँ पर अब हम लेंगे एस टू एसओ फोर यानी को पहली बार हमने किससे क्रिया कराई एस से क्रिया किया कराई तब हमें क्या प्राप्त हुआ एन प्राप्त हुआ सी प्राप्त हुआ और साथ ही साथ आपका पानी एक अड़ू प्राप्त हुआ एनी एस अब हम यहाँ पर दो अड़ू ले रहे हैं और क्रिया हमारी इस समय के है सल्फ्यूरिक अम्ल से तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जब हम क्रिया कराते हैं अम्लों से तो हमें प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट प्लस टू एस टू ओ प्लस टू सी ओ टू यानी दो अड़ू पानी दो अड़ु कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है तो यहाँ पर हमने ये सीखा स्टूडेंट्स की अम्लों से क्रिया कराते हैं तो किन दो अम्लों से क्रिया हम सोडियम बाइकार्बोनेट कराते हैं तो सबसे पहले एस की क्रिया कराते हैं फिर इसके बाद एस की क्रिया कराते हैं इसमें पहला प्रोडक्ट एन बना था इसमें पहला प्रोडक्ट क्या बना एन और साथ साथ क्या बना जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी दोनों जगह पर बनी पहले वाले में एक अड़ू बनी दूसरे वाले में दो अड़ू तो अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस की बात करते हैं और यहाँ पर ये जानते हैं कि इसे किस किस काम में लाया जा सकता है तो सर्वप्रथम इसे अब प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यानी रिजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन सोडियम बाई कार्बोनेट ये झागदार पेय पदार्थ बनाने के भी काम आता है कौन सोडियम बाई कार्बोनेट से कैसे पदार्थ बनाए जाते हैं तो झागदार पेय पदार्थ ये आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग आग अगर निवारक यंत्रों में भी किया जाता है कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है अगर हम कच्चे दूध में इसको मिला देंगे तो दूध फटेगा नहीं कहने का मीन्स और एक कैसा होता है एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लीयता को दूर करता है कौन तो सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करता है तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर ये ब्रेड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है तो सबसे मिसजरली इनके जो यूजेस हैं कहने का मीन्स यहाँ पर ब्रेड बनाने में और आपका पेट के अम्लीता को दूर करने में एंटीसेप्टिक के रूप में और साथ साथ ये अग्निवारक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है और साथ साथ किस में तो अभिक्रमक के रूप में इसका प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है तो ये ख़ास खास पॉइंट थे किससे रिलेटेड तो आपके रिलेटेड थे खाने वाले सोडे यानी खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है एन सी ओ थ्री ऐसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट ऐसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा क्या कहा जाता है बेकिंग सोडा तो दोस्तों बनाने की विधियों में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोडियम बाई कार्बोनेट को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है फिर हमने क्या किया कि जो इससे प्राप्त हुआ वो सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त हुआ था ये जल में ब्ले था फिर सेकेंड हम लोगों ने गुणधर्मों में क्या पढ़ा था कि ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ा अगर इसको हम अधिक हीट कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट और प्लस पानी और प्लस यू में चेंज होता है और साथ ही साथ इस किससे क्रिया कराई जाती है अम्लों से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं तो एन बनाते हैं एस टू और एस टू और प्लस यो बनाते हैं अगर हम दो अड़ुओं को लेंगे तो हम एस्टोसोफोर के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ साथ पानी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो ये कुछ एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था खाने वाले सोडा को हम क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इस पर हमने डिस्कशन किया ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को और इसीलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और जय हिंद